आइए श्री गायत्री देवी जी महाराज बड़े अच्छे साध्वी हैं, बड़े सरल और बहुत ही सनातन के प्रति इनकी जिम्मेवारी है और निभा रहे हैं। जय सिया राम। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं ये तस्मै श्री सुहांजना के इस पावन धरा पर महाराज श्री द्वारकानाथ जी शास्त्री जी मां चंपा आपके सुपुत्र महाराज श्री गंगाधर जी समाज में जिस प्रकार से सनातन की पताका को फहरा रहे हैं, अंतःकरण की गहराइयों से आए हुए आप सभी सुधी साधकों का बहुत बहुत अभिवादन। आए हुए सभी आप भक्तों का इस पावन स्थान पर, इस यज्ञ भूमि पर आना ही तप स्वरूप हो गया है और मंच आसीन महाराज श्री गंगाधर जी के आप इस अद्भुत यज्ञ का शरीर और
हमारे मानस को पवित्र करता हुआ हमारी सशक्त आत्मा से हमारा ही अपना परिचय करवा रहा है। हम में से कोई भी निर्बल नहीं, हम में से कोई भी अज्ञानी नहीं, उसके लिए सुलभ हो ही जाएगा भले वो कितना ही दुर्लभ मालूम पड़ता हो। महाराज द्वारकानाथ जी शास्त्री के बारे में अलग अलग स्तर के भक्त लोग अलग अलग स्तर से उनके गुणानुवाद को कह रहे हैं, लेकिन वास्तविक बात यह है कि घर घर में श्रीमद् भागवत महापुराण की अलख जगाने में महाराज श्री का जो अभूतपूर्व योगदान है, समाज उस योगदान को कभी भी किसी भी कीमत दक्षिणा के किसी भी स्तर पर उतरकर भी उसको दे नहीं सकता। वो ऋण सदा सदा ही मानवता के ऊपर बना रहेगा और उस ऋण से कोई भी उऋण नहीं हो सकता। वो इतना कर गए हैं, वो इतना दे गए हैं कि झोलियां उसको संभाल नहीं पा रही हैं। आज भी कोई भी कार्यक्रम करना हो तो उसके लिए जनसाधारण को वहां तक पहुंचने के लिए सुलभ करने के लिए बहुत सा पुरुषार्थ लगता है, बहुत सी जो साधनों की आवश्यकता पड़ती है। और महाराज श्री ने उस समय श्रीमद् भागवत का प्रचार किया जिस समय साधन कम थे लेकिन साधना बुद्धि के लोग बहुत मात्रा में थे। बात समझना, साधन कम थे लेकिन साधना बुद्धि के लोग बहुत गहरे थे। तभी कहीं पता लगता कि महाराज श्री पहुंच रहे हैं तो बिना किसी पोस्टर के, बिना किसी अनाउंसमेंट के जन सैलाब टूट पड़ता था, क्योंकि साधना भीतर की मजबूत थी और साधना के बल पे लोग जान जाते थे कि यहां यहां महाराज का प्रकाश होने वाला है और वहां वहां सब लोग पहुंच जाया करते थे। लेकिन आज भागवत जी को पहुंचाने के लिए, आज हरि नाम को पहुंचाने के लिए कि महाराज बहुत बहुत साधन लगते हैं, कितने कितने साधनों की आवश्यकता पड़ती। पर्चे छपते, पोस्टर छपते, अनाउंसमेंट कराते, फिर भी जो तो साधना मुखी है वो तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जो जो अभी साधना की तरफ अग्रसर नहीं है, ये यूं कहा जाए जिनको अभी विशेष भगवान के प्रति कोई विशेष आकर्षण नहीं हुआ है, उनको कथा में खींच कर लाना आज भी दुर्लभ है। और अगर कहीं ऐसे तत्व कथा में आ भी जाए तो उनका टिक कर बैठना बड़ा कठिन है, और अगर कहीं टिक कर बैठ भी जाए तो कथा उनके अंतस तक पहुंची है कि नहीं पहुंची, हरि नाम ने उनके अंतस को छुआ कि नहीं छुआ, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे साथ हमारे श्रीधाम वृंदावन से अतुल जी एक विभूति स्वरूप पधारे हुए हैं, आप साधना मार्ग की ओर अग्रसर हैं और आप जिस धारा से हैं उस धारा को मेरा शत शत प्रणाम, कोटि वंदन। आप इस तथ्य को समझें कि जितने भी अंतःकरण को जंत्रित नहीं कर सका, अगर ये वेद मंत्र तुम्हारी सोई हुई आत्मा को जगा ना सके तो ये यज्ञ हमारा अधूरा छूट जाएगा, द्वारकानाथ जी शास्त्री का स्वप्न अधूरा छूट जाएगा। वो गांव गांव गए, चल चल कर गए ताकि लोगों को श्री भगवान की जानकारी दे सके, श्री भगवान का लोगों को परिचय दे सके। लेकिन आज हम तुम यज्ञ करने वाले इधर न ममना, ये मेरे लिए नहीं है, मैं स्वार्थ से परमार्थ की ओर बढ़ता हूँ। जब हम अपने स्वार्थ की तिलांजलि दे देते हैं तो फिर हम एक क्यों नहीं हो सकते, फिर हम मिलके क्यों नहीं चलते, फिर हम मिलके क्यों नहीं जीते। हर एक धर्मावलंबी का परिवार अगर धर्म संकीर्तन सत्संग से अछूता रह गया तो बाहर समाज में आप कुछ भी दिखाते रहो, कितना भी होके घूमो, कितना भी सिर ढक के घूमो, तुम्हारे घर में अगर क्लेश चल रहे हैं तो यकीन मानना तुम्हारा धर्म पाखंड का हिस्सा बनकर रह जाएगा। वो धर्म, वो अध्यात्म जो तुम्हारे चरित्र को ना संभाल सका, वो शिक्षाएं जो तुमको बलवान ना बना सकी, वो विचार जो तुम्हारे विचारों को मजबूत ना कर सके, तो फिर उन विचारों को सुनने का भी क्या फायदा है। मेरा निवेदन है, हम सनातनी बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी जमीनों वाले, बड़े बड़े
अपने परिवेश और अपने परिधान की ओर ध्यान दीजिए। आप माइयां जितनी व्यवस्था से यहां बैठी हैं, माफ करना, उतनी ही व्यवस्था का परिचय अपने घर को एक रखने में भी दीजिए। आप जो माइयां यहां बैठी हैं, सब सिर ढककर बैठी हैं, मेरा निवेदन है आपसे कि जब आपकी लड़की शाम को घर से बाहर निकलती है तो एक दृष्टि उसके परिधान की ओर भी डालिए कि बच्ची क्या पहनकर निकल रही है। हम कहते हैं हम आधुनिक हैं, अरे हम नए विचारों के हैं। तुम्हारे नए विचारों का स्वागत है, तुम आधुनिक हो, तुम्हारा स्वागत है। पर समझ ये नहीं आती कि इस आधुनिकता की ओढ़ में, इस आधुनिकता की आड़ में हमारी बच्चियों को ऐसे फैशन से परिचित क्यों किया जाता है जिस फैशन की आड़ में हमारी बच्चियां आदि नंगी दिखाई देती हैं। और माए कहती हैं फैशन है। शादियों में वो अव्यवस्था देखने को मिलती है, वो अव्यवस्था देखने को मिलती है कि समझ नहीं आता कि ये धर्मी है या कि ये किस मार्ग की ओर चल रहे हैं। सो मेरा निवेदन है कि हमें अपने परिवेश और हमें अपने परिधान को संभालना है। ये हमारी गरिमा है, ये हमारी पहचान है, ये यज्ञ हमारे प्राण है। महाराज इन प्राणों की रक्षा करना हमारा सबसे पहला धर्म है। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में माइयां, भाई और बच्चे, युवा लोग बैठे हैं। लड़कियां कहती हम अपनी मर्जी का पहनेंगे, तुम अपनी सोच बदलो। मेरा ये प्रश्न है कि तुम दूसरे को अपनी सोच बदलने के लिए क्यों कहते हो? तुम खुद को ऐसा क्यों बना रहे हो कि तुम्हारे लिए कोई अपनी सोच बदले? तुम्हारा आचार, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा विचार ये इतना संयमित हो, ये इतना मर्यादित हो कि तुम्हें देखने वाले की नजरें झुक जाएं, उसे अपने विचार बदलने ना पड़े। तुम किसी को बदलने के लिए मत कहो, तुम अपने आप को संभाल के रखो। ये बहुत बड़ा मंच महाराज श्री गंगाधर शास्त्री जी ने लगाया है। आप महाराज जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि हम सबको, आप सबको ये दिव्य अनुभूतियां दे रहे हैं। और ये मेरे अहोभाग्य है, मैं यहाँ पहले कभी नहीं आई, पर मेरा यहाँ आना हुआ। महाराज श्री का इतना प्यार भरा मेरे को बुलाने का ढंग था, अंदाज इतना प्यारा था कि मैं बिना आए रह नहीं सकी। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। ये बात मेरी हड्डियों में बसी हुई है। लेकिन आप सबसे महाराज श्री के जन्मोत्सव की ढेरों ढेरों मंगल बधाइयां देने का ये मेरा सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हुआ। आप सबसे मिलने का, दो बातें कहने का मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप ये मत कहना कि मैंने कहीं आपके किसी स्वाभिमान को चोट दे दी। अगर आप सही मार्ग पर हैं तो आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन अगर आप डावाडोल चल रहे हैं, अगर आपकी घर की कश्ती डावाडोल है, तो मेरा निवेदन है जरा सा अपनी जुबान को देखिए, जरा सा अपने व्यवहार को देखिए, जरा सा अपने आप को संभालिए। डावाडोल होती हुई किश्ती तुम खुद ही संभाल लोगे, इसके लिए तुम्हें कहीं सर पटकने की जरूरत नहीं है। पटको अपने अहंकार को, पटको अपने मैंपने को, पटको अपने स्वार्थ को, और विचार करो कि परिवार मैं से नहीं चलता, परिवार हम से चलता है। और ये हम की भावना, मैं, मेरी देवरानी, मेरी जेठानी, मेरी सास, ये हम हैं। माइयों पर, स्त्री शक्ति पर अहंकार थोड़ा हावी रहता है, और माफ करना वही अहंकार सभी को सर्वनाश की ओर ले जाता है। तो मेरा निवेदन है इस यज्ञ भूमि की पवित्र रज से आप लोग अपने अशुद्ध अहंकार को गिरा दीजिए और अपनी शुद्ध मैं को पहचानिए। भारत माता है, आप माँ हैं, और अपने माँ होने का सही सही फर्ज आपको निभाना होगा। हाँ, आपने बच्चों को पैदा किया, बाप कमा कर लाएगा, लेकिन माँ पैदा हुई संतान संतति को संभालेगी। लड़का कहाँ गया, किसके साथ बैठा, बच्ची क्या पहन रही है, कितने बजे घर आ रही है, क्यों घर नहीं पहुंची, घर नहीं पहुंची तो कहाँ है, ये तमाम छोटे छोटे प्रश्न आपके घर को बांधने, संभालने और सजाने में बड़ी शानदार भूमिका को निभाएंगे। संभाल लीजिए, युवा पीढ़ी भटक रही है,
संभाल लीजिए, ये बच्चे फिसल रहे हैं, संभाल लीजिए। जिन बहुओं को ब्याहकर आप घर में लाते हैं, 6 महीने नहीं बीतते, उन्हीं बहुओं के कारण तू तू मैं शुरू होती और फिर घर चूल्हे अलग हो जाते हैं। क्यों नहीं संभालते? संभालिए टूटते हुए परिवारों को, संभालिए टूटते हुए समाज को, और संभालिए अपने परिधान और अपने परिवेश को। अगर ना संभाला तो इतना टूट जाएंगे कि फिर जुड़ने की महाराज फुर्सत नहीं होगी, इतना टूट जाएंगे। महाराज श्री की ये पवित्र भूमि हम सबको शक्ति संपन्न कर रही है। माँ चंपा का तप, माँ चंपा का सतीत्व हम सबको बल दे रहा है। अगर विचार शुद्ध है, अगर पात्रता पूर्ण है, तो इस शुद्धि को, इस पवित्रता को, इस दिव्यता को संभाल लीजिए। ऐसे दिव्य मौके बार बार हाथ नहीं लगते हैं। आइए, एक छोटा सा भाव कहने के बाद फिर मैं, जैसा श्री भगवान का आदेश होगा, भोरी वाले जैसा कोई और नहीं है, मेरे भोरी वाले जैसा कोई और...
विचारों का है, ये जोर उत्कृष्ट संकल्पों का है। आपके भाव उज्जवल हो, आपके संकल्प उज्जवल हो, तुम्हारा जो छोटा सा तिनका भी पार कर सकता है। मैं आज यहाँ इस पवित्र स्थान पर आकर मुझे सम्मान देने वाले, मुझे निज पुत्री के रूप में धारण करने वाले हमारे गांव कुंथल में शोभायमान महाराज स्वामी श्री सोमपुरी जी का इस दिव्य मंच से मैं ढेरों ढेरों धन्यवाद करती हूँ कि आप जैसे साधारण महात्मा ने करुणा की, कृपा की और महाराज हम जैसों को अपनी चरण शरण दी। और महाराज श्री द्वारिकानाथ जी शास्त्री, माँ चंपा जी, गंगाधर जी महाराज और सभी की आदि शक्ति के रूप में दादी माँ शोभायमान है, आप सभी महान विभूतियों को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए, कोटिश वंदन करते हुए आज की इस अद्भुत बेला का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए बस एक विशेष बात एक भजन के माध्यम से मुझे कहनी है कि जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी आप शरीर का बल लगा लो, दिमाग का बल लगा लो, लेकिन ये शरीर का जोर और बुद्धि का जोर चलने वाला नहीं है। तो जोर किसका चलेगा? क्या कहा महाराज जी ने? क्या गाओ, क्या बोलो, क्या मंत्र दिया सभी को खुला? राम राम बोल वे मना